हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रोज वाटर की। कौन सा रोज वाटर सबसे अच्छा है, कौन सा प्योर होता है, किस तरह से हम उसको घर पे बना सकते हैं और कौन सा हमें मार्केट से लेना चाहिए। जो भी हम रोज वाटर यूज करते हैं वो हमें प्योर यूज करना चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि कौन सा प्योर है। तो इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी अपनी इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से आप घर पे प्योर रोज वाटर बना सकते हैं, और अगर आपने बाजार से चूज करना है तो आपको किस तरह से चूज करना है कि कौन सा रोज वाटर अच्छा है, प्योर है और आपके लिए फायदेमंद है। रोज वाटर हम बहुत सारे कामों में यूज करते हैं, बहुत सारे होम रेमेडीज में यूज करते हैं और बहुत ज्यादा अच्छा होता है आपकी स्किन को ग्लोइंग करने के लिए, और आपके हेयर के लिए भी रोज वाटर बहुत अच्छा होता है। बहुत सारी रेमेडीज मैंने शेयर की हुई है अपने चैनल पे, जिसमें मैंने हेयर सीरम बनाया था रोज वाटर को यूज करके, साथ ही साथ मैंने रोज वाटर को यूज करके एंटी एजिंग का सीरम बनाया था जो हम रात को लगा के सो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी रेमेडीज मैं शेयर करती हूँ सब टेस्टेड होती हैं, आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। और चेक करने के लिए आपने यूट्यूब के सर्च बार में सर्च करना है, फॉर एग्जांपल हेयर सीरम स्पेस हिंदू नेचुरल वर्ल्ड करके आप सर्च करेंगे तो आपको मेरे बने हुए हेयर सीरम के वीडियोस रिजल्ट में आएंगे और वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने होम रेमेडीज की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और ब्यूटी एंड फेयरनेस टिप्स, सफ़ेद बाल, काला बाल, बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जिसमें मैंने इन सब वीडियोज को डाला हुआ है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस को आप मिस ना कर पाए। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद आपको घंटी दिखेगी, उस घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो नाउ फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में ये दो रोज वाटर बनाए हैं, ये है प्योर रोज वाटर और ये है नॉर्मल रोज वाटर। इसको भी हम यूज कर सकते हैं बट दिस वन इज बेस्ट। दोनों अच्छे हैं लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको हमने कैसे बनाया है ये हम चेकआउट करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा रोज़ वाटर अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमें चाहिए रोज़ फ्लावर्स। यहाँ पे रोज़ फ्लावर्स मैंने धो के रखे हुए हैं और आप कोशिश करें कि फ्रेश रोज़ फ्लावर्स ही लें, और क्योंकि ये साइज़ में बड़े हैं तो मैं यहाँ पे तीन ही यूज़ करूँगी। आप चाहें तो चार पाँच यूज़ कर सकते हैं अगर थोड़े छोटे हैं तो। आपने तीन रोज़ फ्लावर्स लेने हैं और उनकी पेटल्स को अलग कर लेना है, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने पेटल्स को अलग कर लेना है और इसमें कोई भी डस्ट या डर्ट नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो इन पेटल्स को भी धो सकते हैं, अदरवाइज़ आपने फूल को धो लिया है तो भी चल जाएगा। उसके बाद हम एक पैन में पानी लेंगे। पानी हमने लेना है एक से डेढ़ गिलास, डेढ़ गिलास हमने पानी लेना है और उसको हल्का सा गर्म करना है। जब वो अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद हमने इसमें रोज़ पेटल्स डाल देनी है और इन रोज़ पेटल्स को अच्छे से डुबो देना है पानी में। और डुबोने के बाद आपने इसमें एक छोटी सी कटोरी रखनी है, और कटोरी हमने रखनी है स्टीम को इकट्ठा करने के लिए, इसका अर्क इकट्ठा करने के लिए। रोज़ के जो हम एक्सट्रैक्ट निकालेंगे वो भाप बन के जो उड़ जाता है उसको हम इकट्ठा करेंगे, तो उसके लिए हमने एक बीच में बाउल रखना है सेंटर में। बाउल ध्यान से रखें ताकि वो डूबे नहीं, और खाली बाउल हम यहाँ पर रखेंगे धुला हुआ। उसके बाद हम इसको कवर करेंगे एक प्लेट से। प्लेट से कवर करने के बाद आपने उसके ऊपर आइस क्यूब्स रखने हैं। आइस क्यूब्स आप सेंटर में रखेंगे और गैस को सिम पे करना है। जब तक पानी उबल रहा है आप, जब तक पानी गर्म हो रहा है आप गैस को हाई फ्लेम पे रख सकते हैं, और जब आपने रोज़ पेटल्स डाल दिए हैं तब आपने गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर देना है, और जो हमने आइस डाली है वो धीरे धीरे पिघलनी शुरू हो जाएगी। और आप सेकेंड टाइम भी आइस डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक ही बार आइस डाली थी और जब वो पूरी पिघल गई थी तब मैंने उसको बंद कर दिया था और ढक्कन नहीं उतारा था, क्योंकि अभी उसमें स्टीम है। तो आपने 10 से 15 मिनट तक उसको ऐसे ही रखना है ताकि जो भी स्टीम हमारी प्लेट के बैक साइड में है वो अपने बाउल में इकट्ठा हो जाए। तो इस तरह से आपने इसको बनाना है। और जो ये ट्रांसपेरेंट हमारा रोज़ वाटर कलेक्ट हुआ है, दिस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप कंटिन्यूस इसको यूज़ कर सकते हैं, रात को जब आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आता है। नाउ मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि किस तरह से आप अगर रेडीमेड वाला रोज़ वाटर चूज़ करते हैं तो किस तरह से आपको चूज़ करना चाहिए। जैसे कि ये मेरे पास बड़ी पैकिंग थी नेचर्स का रोज़ वाटर, 1 kg का था, और इसमें आप देख सकते हो कि ये पिंकिश इसका कलर आ रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट प्योर। ओके, एंड सेकेंड वन मैं आपको दिखाऊंगी खादी का रोज़ वाटर, और
मैंने फॉरेस्ट एसेंशियल का भी रोज़ वाटर यूज़ किया है और कामा आयुर्वेदा का रोज़ वाटर। तो जो रोज़ वाटर जो ट्रांसपेरेंट होते हैं उनमें खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और वो एक्चुअली प्योर होते हैं। तो आपने अगर मार्केट का चूज़ करना है तो ट्रांसपेरेंट जो रोज़ वाटर होता है वो चूज़ कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है कि आपने कौन सा ब्रांड चूज़ करना है, क्योंकि अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग रेट्स होते हैं। बट जो ट्रांसपेरेंट होता है वही प्योर होता है और जो कलर वाला होता है वो प्योर नहीं होता है। जैसे कि डाबर गुलाबरी वाला जो आता है वो भी प्योर नहीं है और ये वाला भी प्योर नहीं है नेचर्स का। और अगर आप देखें तो खादी का, फॉरेस्ट एसेंशियल का, कामा आयुर्वेदा का, ये सब रोज़ वाटर जो है ये प्योर होते हैं और ये इफ़ेक्ट भी उतना ही देते हैं जितना कि वो प्योर होते हैं। नाउ जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अभी यहाँ पे इसको गैस बंद कर दिया है और उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखूँगी और उसके बाद जब हम इस प्लेट को उठाएँगे तो यहाँ पर स्टीम हमारी इकट्ठी हो गई है और ये ट्रांसपेरेंट स्टीम है। ये अर्क है हमारे गुलाब की पत्तियों का जिसको हमने इसमें इकट्ठा कर लिया है और इसको हम ठंडा कर लेंगे हल्का सा। और ये जो रोज़ वाटर है ये हमने फेंकना नहीं है, जो हमारा पिंक कलर का आया, क्योंकि इसमें भी न्यूट्रिशन है आपकी गुलाब की पत्तियों का। इसको हम छान लेंगे और छानने के बाद हम इसको भी यूज़ करेंगे। इसको हमने ठंडा होने के लिए साइड में रख देना है और आप देख सकते हो कितना अच्छा गहरा कलर आया है, क्योंकि इसमें मैंने फूल ज़्यादा डाले थे और अगर आप फूल दो भी डालेंगे तो चल जाएगा। पानी थोड़ा कम था तो इसका एक्सट्रैक्ट अच्छा आया। नाउ ये दोनों हमारे घर के होममेड रोज़ वाटर बने हैं। तो सबसे इफ़ेक्टिव जो है वो है ट्रांसपेरेंट वाला और आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होने के बाद इनको बॉटल्स में फिल कर लेना है। वो अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसी वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगी कि किस तरह से आपको इसको यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि मैंने ये दो रोज़ वाटर बनाए हैं, इसको आप होम रेमेडीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम पैक्स यूज़ करते हैं या फिर हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं। इसको आप उस तरीके से यूज़ करिए जिसमें हमें कोई भी पेस्ट बनाने के लिए लिक्विड चाहिए होता है, जिसमें हम रोज़ वाटर यूज़ करते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इट्स वेरी इफेक्टिव, बट इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव मीन्स इसके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसको हमने यूज़ कैसे करना है, इसको हमने रोज रात को यूज़ करना है। जैसे कि अब समर्स आने वाली है, रोज़ वाटर स्किन को सूदनिंग इफेक्ट देता है और ठंडक देता है। तो आप इसको रोज रात को सोते टाइम आपने जब फेस वॉश करते हैं तब इसकी कुछ बूंदे लेके अपने फेस के ऊपर लगाना है और ये ऑटोमेटिकली सूख जाएगा थोड़ी देर में। और उसके बाद आप अपनी नाइट क्रीम लगा सकते हैं, इसको एज ए टोनर आप यूज़ करें और रात को ज़रूर यूज़ करें। एक हफ्ते कंटिन्यूस इसको यूज़ करने से आपको आपकी स्किन में फ़र्क नज़र आएगा, आपके ओपन पोर्स जो है श्रिंक होते हुए नज़र आएंगे और आपकी स्किन ग्लोइंग दिखेगी, क्योंकि आपकी स्किन में अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा इस प्योर रोज़ वाटर से। और अगर आप ये घर पे नहीं बनाना चाहते हैं तो जो भी मैंने शेयर किया है, जो ट्रांसपेरेंट रोज़ वाटर होते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कामा आयुर्वेदा का ट्रांसपेरेंट आता है, बहुत ही अच्छा ब्रांड है वो, बहुत अच्छा वो रोज़ वाटर है। एक मिस्ट मैंने यूज़ किया था फॉरेस्ट एसेंशियल्स का, जो मैंने आपको अपने मेकअप में दिखाया था, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर खादी का है तो रीजनेबल रेंज में आप खादी का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा महंगे में जाना है तो फॉरेस्ट एसेंशियल है, कामा आयुर्वेदा है। अगर आप होम रेमेडीज में विश्वास रखते हैं तो ये बेस्ट है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इजीली घर पे सस्ते में बन जाएगा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। इसको आपने ये आप कम से कम 15 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने फ्रिज में रखना है, आपने इसको बाहर नहीं रखना है, गर्मी का टाइम है, ख़राब हो जाएगा। आपने फ्रिज में रखना है ताकि ये ठंडा भी हो, रात को लगाएंगे आप तो आपके जो ओपन पोर्स हैं वो भी ठीक होंगे ठंडा रोज़ वाटर लगाने से। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इसके आप आइस क्यूब्स बना सकते हैं। आइस क्यूब्स बना के फ्रिज में रख लीजिए, वो आप महीने दो महीने यूज़ कर सकते हैं। रोज़ रात को एक आइस क्यूब अपने फेस के ऊपर लगाएं, आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और इसको आप डेली एज ए टॉनर यूज़ कर सकते हैं और या फिर अपने मेकअप के नीचे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि इसके ऊपर आप मेकअप कर सकें और आपके स्किन को अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए गए बेल बटन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोज़ को आप मिस न कर पाएं। तो आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Oh, 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 oh